कहानी मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गईं और गांधी जी के साथ काम करने लगीं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। इसलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर आई।